यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद कई बार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इशारों ही इशारों में ये बात कह दी थी कि वो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को छोड़ेंगे नहीं। हालांकि कई मीडिया बयानों में उन्होंने इसके उलट बयान देते हुए कहा कि जेलेंस्की की हत्या करवाने का उनका कोई इरादा नहीं है, लेकिन अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि पुतिन के कई जासूस जेलेंस्की की जान के पीछे पड़े हुए हैं और मई 2023 की शुरुआत में रूस के पूर्व राष्ट्रपति ने तो जेलेंस्की की हत्या कराने का खुला ऐलान कर दिया था। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति भवन पर यूक्रेन द्वारा ड्रोन हमला कराने का आरोप लगाया था। लेकिन इस सबके बीच बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर रूस जेलेंस्की की हत्या करा देता है तो यूक्रेन के राष्ट्रपति की गद्दी कौन संभालेगा। तो आपको बता दें कि इसके लिए यूक्रेनी अधिकारियों ने एक बैकअप प्लान भी तैयार किया है। चूंकि यूक्रेन का संविधान कहता है कि यदि राष्ट्रपति अपनी जिम्मेदारियों को नहीं संभाल पाता है तो यूक्रेनी संसद का चेयरमैन राष्ट्रपति की जिम्मेदारियां संभालता है, और मौजूदा समय में यूक्रेनी संसद के चेयरमैन रुस्लन स्टेफानचुक हैं, जो जेलेंस्की की पार्टी से ही आते हैं। और यदि जेलेंस्की अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा पाते हैं तो रुस्लन इस गद्दी को संभालेंगे। आपको बता दें कि रुस्लन स्टेफानचुक की उम्र 47 साल है। वो फिलहाल यूक्रेनी संसद के स्पीकर और चेयरमैन है। अक्टूबर 2021 के चुनाव में रुस्लन को 261 में से 222 वोट से जीत मिली थी, और यूक्रेनी संसद का चेयरमैन बनने से पहले रुस्लन जेलेंस्की के सलाहकार और संसद में उनके प्रतिनिधि रह चुके हैं। राजनीति के इतर रुस्लन कानून के विद्वान हैं। वो एक प्रोफेसर और यूक्रेन की नेशनल लीगल साइंस एकेडमी के सदस्य भी हैं। स्टेफानचुक को जेलेंस्की का बेहद ही करीबी माना जाता है और दोनों कॉलेज के दिनों से एक दूसरे को जानते भी हैं। रुस्लन को लेकर कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि जेलेंस्की के बाद रुस्लन यूक्रेन के अगले राष्ट्रपति होंगे, लेकिन पश्चिमी देशों के लिए जेलेंस्की की जगह किसी अन्य नेता को देखना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जेलेंस्की लोकतंत्र और संप्रभुता की एक प्रखर आवाज के रूप में उभरे हैं, जिन्होंने अभी तक रूस के आगे अपने हथियार नहीं डाले हैं।